सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा पहाड़िया वाराणसी। स्कॉलर्स वैली, अ होम ऑफ एजुकेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 8, कॉल 9235442970, नियर उकार हॉस्पिटल, सुंदरपुर वाराणसी, एजुकेशन पार्टनर विद टाटा क्लास 8। बात करता हमारा संस्कृति, हम सबको नमस्कार करते हैं, गले लगाते हैं, और यदि हम यदि कोई मतलब वाला जो परंपरागत चीजें हैं, हम परंपरागत पढ़े हुए व्यक्तियों से हम इन चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं। और जैसा कि महामना जी ने भी अपने जब संविधान बनाया था 1915 में 1916 में 1951 में और 1969, समर्थन कैसे दे रहे हैं छात्रों को, किस लिए दे रहे हैं? देखिए, इसलिए दे रहे हैं कि 14 दिनों से यहाँ पर कुछ छात्र धरने पर हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के परिसर में, और वो एक उचित बात कह रहे हैं। लेकिन 14 दिनों से विश्वविद्यालय का प्रशासन उनकी शांतिपूर्ण कही गई बात को सुन नहीं रहा है, तो हमको सोचना पड़ा कि आखिर क्या बात है, ये तो उचित बात कह रहे हैं, इसको सुन करके इसका निराकरण कर लेना चाहिए, ये इस बात को बढ़ा क्यों रहे हैं। और फिर हमने देखा कि जो हमारी हमारा अंदेशा था वो हमको दिखाई देने लगा कि चैनलों पर ये समाचार चलने लगा और ये होने लगा कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम डिवीजन हो रहा है, मुसलमान होने के नाते उसका विरोध किया जा रहा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लड़के विरोध कर रहे हैं। तो हमको समझ में आ गया कि ये कोई राजनीति है जिसमें हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने का जैसा प्रयास दूसरी घटनाओं के माध्यम से होता है वैसे ही हो रहा है। तो हमको लगा कि जाना चाहिए, और ये जो राजनीति का अखाड़ा बनाने की कोशिश काशी हिंदू विश्वविद्यालय को की जा रही है वो नहीं होने। हम यहाँ छात्रों के समर्थन में नहीं आए, हम यहाँ अध्यापकों के समर्थन, प्रोफेसर्स के समर्थन में नहीं आए, प्रशासन के समर्थन में नहीं आए, हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समर्थन में आए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र है, इसको शिक्षा का केंद्र बने रहने देना चाहिए। राजनीति का अखाड़ा जैसे दिल्ली का JNU बन गया है वैसा ही इसको बनाने की चेष्टा न की जाए, इस बात को साफ करना बहुत जरूरी हो गया था, इसीलिए हमको स्वयं आना पड़ा। BHU का कहना है, BHU प्रशासन का कहना है कि अब कोई मालवीय जी के सिद्धांत, जिस सिद्धांत पर उन्होंने किया था मूल्यों पर, वो तब तक लागू था, अब BHU केंद्रीय विद्यालय हो गया, तो UGC के नियम लागू होंगे। ठीक है, UGC के नियम लागू हों, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो सिंह द्वार है, जिसको मुख्य द्वार कहा जाता है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जहाँ दिखा है, उसके आगे मालवीय जी की जो बड़ी मूर्ति खड़ी करके रखी है उसको हटवा दें, और ये कह दें कि अब क्योंकि ये विश्वविद्यालय UGC के अंतर्गत है, मालवीय जी का अब यहाँ पर काम नहीं है, हम उसके बाद नहीं बोलेंगे। लेकिन एक तरफ तो आप मालवीय जी की मूर्ति को प्रदर्शित करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि महामना का ये शिक्षा सदन है, यहाँ के कुलगीत के अंदर महामना मदन मोहन मालवीय का अंतिम पंक्ति में नाम है, और एक तरफ आप कहते हैं कि मालवीय जी प्रासंगिक नहीं रहे। कैसे नहीं रहेंगे? संस्थापक, जिस संस्था का संस्थापक होता है अपनी संस्था का, जब तक वो संस्था रहती है तब तक उसकी भावनाओं का आदर संस्था के लोग करते हैं। जब तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, महामना का संकल्प, महामना की भावनाएं अनादृत नहीं हो सकती हैं, उसकी रक्षा के लिए जो भी मालवीय जी के प्रति आस्था श्रद्धा रखते हैं वो लोग खड़े रहेंगे। शिलापट के लेकर आपने भी कहा है कि शिलापट तो किसी ने बताया है कि वो तो भाई हमने टेलीविजन पर देखा, जो विजिटर हैं यहाँ के, जाने क्या और कोई जी, उन्होंने कहा कि वो फर्जी है। इतिहास विभाग के प्रोफेसर है, इतिहास विभाग के प्रोफेसर है, उन्होंने कहा कि वो तो पत्थर फर्जी है। तो ये तो बहुत बड़ी बात वो कह दे रहे हैं कि हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर बड़ा सा पत्थर बना करके कोई लाता है और ला करके उसको 18 फुट ऊंचे परिसर के अंदर और बिल्डिंग के अंदर ले जा करके फिट कर देता है और विश्वविद्यालय को पता नहीं चलता है। अगर वो फर्जी पत्थर है तो वो महोदय बताएं कि वो पत्थर कब आया, कौन लेके आया और कैसे फिट करके चला गया और कैसे विश्वविद्यालय प्रशासन को पता नहीं चला। आप तो आए, कल्पना के अनुसार ही पढ़ाई हो रही है कि उनके विपरीत आदर्श? नहीं, उन्हीं के अनुसार पढ़ाई हो रही है।